आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। पामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत रहौद में मां परमेश्वरी माता की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले मां परमेश्वरी माता की छाया चित्र पर पुष्प माला चढ़ाकर विधि विधान से पूजा किया गया। तत्पश्चात रहौद नगर में रथ से भ्रमण किया गया। आप सभी को, पत्रकार बंधु लोग को भी बधाई देता हूँ कि आप लोग ये कवरेज कर रहे हैं। नगर पंचायत रहौद में देवांगन समाज विशाल समाज है और इनका जो एकजुटता है वो देखने को बनता है। माँ परमेश्वरी जी के ही कृपा है कि देवांगन समाज जो है नया दिशा दे रहे हैं लोगों को, अपने समाज को इकट्ठी करने के लिए। और देवांगन समाज में एक से एक बहु प्रतिभा के धनी लड़के लड़कियाँ हैं। देवांगन समाज के तरफ से हम लोग को यही सीखने को मिलता है कि एकता में ही बल है करके, और नगर पंचायत के समस्त नागरिक देवांगन समाज के इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और शासन प्रशासन के गाइडलाइन के जो है कोविड-19 को उसको भी पालन करते हुए एक कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। हम देवांगन समाज रहौद के हमारे मेहर साहब हैं, उप मेहर साहब हैं और सब हम सदस्य हैं पूरा देवांगन समाज रहौद के। आज देवांगन समाज रहौद के द्वारा हमारी कुल देवी माता परमेश्वरी के महोत्सव का आयोजन देवांगन समाज रहौद पूरा समाज एक साथ मिलकर आयोजन किए हैं। साथ ही पूरा देवांगन बंधुओं ने आज के अवसर पर पूरा अपना कामकाज, दुकान, ड्यूटी सही बंद करके आज इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। हम सब एक परिवार जैसे एक दिन महसूस करते हैं और देवांगन समाज को अग्रसर करने के लिए यह कार्यक्रम एकजुटता के लिए अति आवश्यक है। ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जो हमारी परमेश्वरी देवी है वो हमारी कुल देवी है, जो हमारे देवांगन समाज के लिए एक मतलब दिशा निर्धारण करती है, मार्गदर्शन देती है, जिसके रास्ते में हम सभी देवांगन समाज, महाजन समाज एकजुट होकर हम एक विशाल भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं और हर वर्ष एकदम उत्साह के साथ हम सभी माताएं, बहनें, भाई सभी मिलकर एक शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के मनोरंजन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है।